चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां जीत के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मी जगत भी चुनाव में पूरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बॉलीवुड के कई जाने माने सितारे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में भोजपुरी सितारे भी पीछे नहीं हैं। हाल ही में पता चला है कि कुछ भोजपुरी सितारे बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में ये खबर भी आई थी कि खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी से मिलकर बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, पर ऐसा नहीं है। खेसारी लाल यादव ने बयान दिया है कि मनोज तिवारी से सिर्फ मेरा भाई का रिश्ता है, मैं उनसे भाई की तरह मिला हूँ, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं, मेरा सबसे व्यक्तिगत रिश्ता है। अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पार्टी के साथ हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और जिससे भी मिलता हूँ उससे सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ते से मिलता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मनोज तिवारी मुझसे जब भी मिलते हैं भाई के रिश्ते से ही मिलते हैं, अगर वो मुझसे बीजेपी पार्टी के होकर मिलेंगे तो मैं उनके साथ नहीं मिलूंगा। साथ ये भी कहा कि मेरा कोई एनजीओ नहीं है, पर मैं जो भी लोगों के लिए करता हूँ वो मैं खुद से और दिल से करता हूँ, अगर इसको लोग राजनीतिक बोलते हैं तो मैं इसे राजनीतिक करना चाहूँगा। इन सभी बातों से ये तो साफ पता चल गया है कि खेसारी लाल यादव किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। SPN न्यूज से आंचल की रिपोर्ट।